देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,33,632 है, जबकि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी 1,35,206 है, जबकि अब तक कोरोना वायरस की वजह से 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव मामलों से ज्यादा है। देश में पहली बार ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसों से ज्यादा हुई है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,75,000 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब ये राहत देने वाली खबर है कि भारत का रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंच गया है, यानी कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की 16वीं बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की स्थिति दूसरे कई देशों से बेहतर है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को भारत और दूसरे देशों की स्थिति की तुलना पर विचार विमर्श किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,985 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 289 कोविड मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां कोरोना केसेस की संख्या 90,000 के पार जा चुकी है। देश के करीब एक तिहाई कोरोना केस महाराष्ट्र से ही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 44,860 है, जबकि ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 42,638 है। इस राज्य का रिकवरी रेट भी 50% से कम है। महाराष्ट्र में 90,787 मामलों में से 3,289 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां 34,914 मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां 31,309 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 21,014 मामले, उत्तर प्रदेश में 11,335 मामले और राजस्थान में 11,245 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी राज्यों में दिल्ली को छोड़कर सभी का रिकवरी रेट 45% और 50% के बीच या ज्यादा है। दिल्ली का रिकवरी रेट 37% के करीब है, जो चिंता का विषय है। बाकी राज्यों में बेहतर हो रहे रिकवरी रेट का नतीजा राष्ट्रीय रिकवरी रेट पर भी दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।